आप में से सब नहीं तो कुछ लोग अपनी चाबियों को बड़ा संभालते होंगे, अपनी चीज़ों से बिछड़ जाने के डर से बार बार अपनी जेबें या अपनी हैंडबैग्स खंगालते होंगे। बिलीव मी, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं, लेकिन चाबियों के खोने के डर से मैं परेशान नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं हेयरपिन से ताले खोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी चाबी पड़ोसी के पास भी तो रख सकती हूँ। तो बस, मेरी भी एक चाबी है पड़ोस में, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं। और फिक्र ना करे, मेरा पड़ोसी कोई बेईमान नहीं, वक्त बेवक्त उसने मेरी चाबी मुझे लौटाई है। और निखिल है उसका नाम, निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ऑब्वियस है कि वो मेरी माँ के लिए प्रॉस्पेक्ट जमाई है। गलती ये मेरी माँ की नहीं, गलती तो मुझसे ही हो गई थी, क्योंकि मैंने माँ से कहा एक लड़के से मिली हूँ, क्योंकि मेरी चाबी गुम गई थी। मैं शहर में अकेली रहती हूँ, वो भी अकेला रहता है, कभी उसकी चीनी मेरे घर, कभी मेरा स्पीकर उसके घर रहता है। खैर, मैं कहानी वापस चाबी पर लाती हूँ, पड़ोसी भी है किरदार। अभी चाबी का किस्सा बताती हूँ। चाबी का है काम एक, मैंने उसे दो कर डाले हैं। चाबी तो टूटे फूटे दांतों से भी बेचारी हंसती है, बंद तो साले ताले हैं। चाबियाँ सिर्फ घर की नहीं, गाड़ी अटैची पड़ोसी की भी गुमाई है मैंने, अलमारियों में बंद कर उसमें कई बातें छुपाई हैं मैंने। मेरा किस्सा भी ऐसी ही एक अलमारी में था, जो आज ये कविता बन गई है, जिसका ताला खोलकर मुई मेरी चाबी गुम गई है। मैं बचपन से बड़ी संस्कारी थी, कमी मुझ में तभी दिखी जब चाबी खोने की बारी थी। ना ब्लैंक कॉल आया कभी मेरे घर पे, ना माँ को बताए बगैर मैं गई कहीं। लड़के थे मेरे दोस्त ढेर सारे और लड़कियाँ थी क्रश कई, लेकिन माँ बड़ी खुश थी मुझसे, क्योंकि उसको नहीं ये दिखता था। निकिता थी ट्यूशन में साथ, इसीलिए तो पढ़ाई पे मन टिकता था। नहीं नहीं नो, आप ना हंसे मेरी अम्मा पे, ना ये मेरी कोई हेरा फेरी थी, सब छुपाते थे क्रशेज पेरेंट्स से, अलग नहीं कहानी मेरी थी। खैर, माँ को जब ये पता चला कि मैं और निकिता दोस्त नहीं थे बन सकते, उसने निकी की माँ को फ़ोन लगाया उल्टा सीधा बकते बकते। अब निकी और उसकी बातें एक अटैची में बंद हो गई हैं, ढूंढ नहीं पाती उसको, अब उसकी चाबी गुम गई है। अब इस गुस्से में 2 दिन बीमार पड़ी और बिल्कुल चुप्पी माँ और मेरे बीच। रोज़ दफ्तर को वो निकलती थी मेरे कानों को खींच खींच। 3रे दिन की पीड़ा में मैं कविता ही लिख देती, लेकिन कलम उठाया तो घंटी बजी, दिल की या दरवाजे की पता होता तो कह देती। रोना धोना सब ख़त्म हुआ, एक नई कहानी फिर से शुरू हो गई थी, जब वो बोली बड़े प्यार से, जी वो मेरी चाबी गुम गई थी। ये भी बहुत ही प्यारी थी, प्यार बेनाम फिर से किया, माँ ने इस बार भी फ़ोन लगाया, वेलकम टू दी अटैची रिया। फिर माँ आई मेरे पास और बोली, बेटा ये तेरा प्यार नहीं, ये तेरा प्यार प्यार नहीं बीमारी है, ये चुड़ैले तुझे मिलती है, तू तो भली बिचारी है। मुझे पता था मेरी ही आदत पहले पहल करने की है, लेकिन मुँह का ताला बंद किया, सोचा अब बारी डरने की है, उनकी माएँ भी तो मुझे चुड़ैल कहती होंगी। ये मानकर मुझे तसल्ली मिल गई है, मेरे दिमाग पर ताला है और उस पर और उसकी चाबी गुम गई है। खैर, माँ को लगा प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बेचारी भोली नहीं सीखती थी कि संस्कारों से बड़ी सुशील लेकिन दिल से बेटी ढीठ सी थी। अटैची एक नहीं कई भरी, ऐसे बहुत से प्रेम हुए, माँ ने सब पे आतंक ढाया, सबके अंत ही सेम हुए। थककर माँ बोली, तू ये जो ले होम ये जो है तो जा, मैं तेरी माँ ही नहीं, ढीठ हूँ ज़िद्दी भी, लेकिन माँ के सिवा कोई माँ भी नहीं। माँ से मुझे है प्यार बहुत, उसकी बेटी कैसे ना रहूँ, घुटन बड़ी है अटैची में, उससे ये मैं कैसे कहूँ। खैर, मैंने बेनाम प्यार को घर भेजा, मेरी खुशी भी बंद हो गई है, कोई पूछे कहाँ गई हंसी तो कह देना चाबी गुम गई है। मुझे बचपन से है माइग्रेन, तो माँ को लगा उसका है दोष, नूडल्स खाने से भी होता है लेस्बियनिज्म गाइस, चाइनीज़ भी मत फरमाना नोश। अब कहते हैं हम जैसों के कानों में कोई अलग सी मसल होती है, कान तो खींचे थे अम्मा ने, अब सोचकर बहुत रोती है। मेरी माँ ने कई कोशिशें की इलाज कराने की मेरी हालत के, कई डॉक्टर, कई बाबा, कई हकीम अलग अलग ताकत के। मैं जाती थी हर जगह सिंसियरली,
क्योंकि अब मुझे भी ये लगता था होगी कोई बीमारी ही, तभी तो दम यूं घुटता था। माँ बात ही नहीं करती थी मुझसे, वो तो अपनी ममता में बिजी हो गई थी। मैं घुटती थी अलमारी में जिसकी उससे चाबी गुम गई थी। खैर मैं बड़ी हुई, बड़े शहर गई, कुछ किस्से अटैची से बाहर आए। नहीं नहीं, मैंने नहीं ढूंढी चाबी, कोई था शायद पड़ोसी चाबी छुपाए। अब चाबी आई पास तो समझी किसी को बताना है लेकिन बाकियों से छुपाना है। कोई कहता था डोंट वरी फेज है भाई, कोई कहता था बस फेमिनिज्म का बहाना है। कई प्रेम हुए, कई केवल क्रश, कितने शादी के कार्ड दिखे, जिनमें होना था मेरा नाम उसमें थे लड़कों के नाम लिखे। कितने दिल जोड़े, कितने तोड़ दिए, कुछ माँ ने कुछ खुद ही ने मुंह मोड़ लिए। मैंने किसी को गलत नहीं समझा, न माँ न मैं न वो सारे, अटैचियों अलमारियों में बंद है सारे बेचारे। सबको इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, सबकी अटैचियाँ भर गई हैं, बंद किए सब तेज़ तेज़ और सबकी चाबी गुम गई है। मेरी कोई ज़िद नहीं, ना ही है क्रांति का विचार, मुझको मैं रहने दे दुनिया, होगा बहुत बहुत आभार। हर शादी पे मेरी माँ मेरे लिए दूल्हा अब भी ढूंढती है, मेरी हर फीमेल फ्रेंडशिप को शर्लॉक की तरह वो सूंघती है। निखिल से ऑब्वियसली उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसकी तो खुद अम्मा बन गई है। है तो मेरी ही माता, उसकी भी चाबी गुम गई है। अब कहा था ना मैंने पड़ोसी है किरदार, तो बस चाबी थी पड़ोसी के पास तो उसने चाबी लौटा दी। निखिल की बहन थी निकिता, जब ये बात उसने मुझे बता दी। निकिता आई भाई के घर, वही साइलेंट ट्रीटमेंट वाला झमेला, और फिर हम दोनों जब अकेले थे एक दूजे का हर ताना झेला। प्रेम पुराना नया हुआ पड़ोसी के ही साए में, मैं थी निखिल की भाभी लेकिन निकिता थी ननद माँ की राय में। अब मोहब्बत तगड़ी थी तो जायज़ था युद्ध घमासा होगा, मैंने सोचा प्रॉब्लम को यहीं ख़त्म करती हूँ, निखिल फेक बीएफ रहे तो आसा होगा। लेकिन मुई मचोरिटी बड़ी कमीनी, कॉन्शियंस को मेरी जगा गई, ढूंढी मेरी अलमारी की चाबी, मुझे वहाँ से भगा गई। माँ को कन्फ्रंट किया और कहा कि माँ मैं और निकी दोनों चुड़ैल, हम जैसा नहीं कोई मेल होगा। वो बोली इलीगल है, तुम दोनों को पहले यहाँ जेल होगा। जेल गए थे शहीद बहुत, हम दोनों भी हो आएंगे, आने वाले जनरेशन हमारे बर्थडे पे छुट्टी मनाएंगे। माँ ह्यूमर से ना लड़ पाई, माँ ह्यूमर से ना लड़ पाई, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। घूर के देख रही थी चुप्पी से, पर अब हम पर कहाँ उसका बस था। ताने कसती है अभी अकेले में कि नाते नातिन का सुख ना दे पाऊंगी, उसे लगता है इनफ ब्लैकमेल से मैं उस जैसी हो जाऊंगी। वो नहीं समझती कि मैं बिल्कुल उस जैसी ही हूँ, ना ही बीमार ना ही ज़िद्दी, मैं तो बस ऐसी ही हूँ। अब बंद करे वो लाख बार दरवाज़ा खुल जाता है, हमारा प्यार देखकर ताले का ओ हेड टिल्ट हो जाता है। अब माँ कैसे छुपाए बेटी, अलमारी की बाहें खुल गई हैं, हंसे अलमारी हंसता है ताला कि मेरी चाबी गुम गई है। अगर आपको ये कहानी प्यारी लगे तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और कॉम्यून के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टोरीज एंड पोएम्स लाइक दिस।